Audio Jungle. गान लिख जाना है, मृत्यु तो निश्चित है पगले, मृत्यु से क्यों घबराना है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया से जाते जाते दूसरों को जीवन दान दे जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थे 97 वर्षीय अशोक विहार ई ब्लॉक निवासी नानू राम गुप्ता, जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीते जी मानव सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, बल्कि दुनिया छोड़ने से पहले अपने देह दान का फैसला कर सभी के लिए मिसाल कायम की। गुरुवार को उनके निधन के बाद उनके परिवार ने ददीची देहदान समिति को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया। 97 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले नानू राम गुप्ता स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते रहे। उनके परिवार का कहना है कि देहदान के उनके इस फैसले से समाज को भी एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। उन्होंने अपनी देहदान तकरीबन आज से 15-20 साल पहले ही कर दी थी ददीची देहदान समिति में, और बिल्कुल स्वस्थ थे। 97 वर्ष के वो थे, आज भी वो पार्क में जाते थे, अपना एक्सरसाइज करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। हिंदू समाज देहदान को लेकर अभी भी अपनी रूढ़िवादी सोच से ऊपर नहीं उठ सका है, जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही ददीची देहदान समिति लोगों को ये समझाने में जुटी है कि देहदान कर हर व्यक्ति न सिर्फ दूसरे को एक नया जीवन देता है, बल्कि वो ऐसा कर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे भी भारतीय संस्कृति में आत्मा जो है वो मानी गई है, शरीर जो है एक प्रकार से वस्त्र हैं, जैसे हम अपने कपड़े समय समय पर बदल करके नए कपड़े पहनते हैं। परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा में है, मनुष्य मरता है आत्मा नहीं मरती। आलोक कुमार जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन सब लोगों ने साथियों ने मिल करके की स्थापना की थी, और सबसे पहला देहदान नानाजी देशमुख का हुआ था हमारी संस्था से।